सुकन्या समृद्धि योजना SSY जो कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित बहुत ही बेहतरीन योजना है। 2014 में इसका जो है संचालन किया गया था, 2014 में इसको लॉन्च की गई थी ये योजना। और ये विशेषकर बेटियों के लिए जो है ये योजना बहुत ही उपयोगी है, तो इसके बारे में अपने चर्चा करते हैं और देखते हैं कि इसका जो खाता है कैसे और कहाँ खोल सकते हैं, और तीन चार बिंदु जो है इसके मुख्य जो है वो क्लियर करेंगे अपने। तो ये जो खाता मैंने बताया कि बेटियों के लिए या बच्चियों के लिए अकाउंट है, और इसको एक दिन से लेके 10 वर्ष की आयु होने तक जो है इसको खोला जा सकता है। 10 वर्ष से अधिक बच्ची की आयु नहीं होनी चाहिए, उससे पहले अपने इस अकाउंट को खोल सकते हैं। और कितनी बच्चियों के लिए इसको खोला जा सकता है? इसको एक परिवार की 2 बेटियों के लिए ये अकाउंट जो है सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट खोला जा सकता है। अब यदि एक के बाद की जो बेटियां हैं वो जुड़वां हो जाएं, तो इस प्रकार 3 बेटियों के लिए भी इस अकाउंट को खोला जा सकता है। अब इसको कहाँ पे खोलते हैं? इस अकाउंट को पोस्ट ऑफिस में खोल सकते हैं और बैंक में भी इसको खोल सकते हैं। किसी भी बैंक में और पोस्ट ऑफिस में इसको खोला जा सकता है। और ध्यान रहे कि खोलने के बाद इसको अपनी सुविधा अनुसार ट्रांसफ़र भी हम करवा सकते हैं, तो ये आपके लिए सुविधा रहेगी। अब इसमें डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। तो सबसे पहले बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, उससे हमें आयु का ज्ञान होगा, तो ये आवश्यक है, जरूरी है। उसके बाद पेरेंट्स या लीगल अभिभावक बच्चे का हो तो उसका पेरेंट्स का आधार कार्ड, पैन कार्ड और फोटो, इनकी आवश्यकता रहेगी। ये इसलिए रहेगी कि 18 वर्ष की आयु होने तक जो बेटी के साथ जो पेरेंट्स हैं वो खाते का संचालन करते हैं। खाता जो खुलने के बाद बेटी के नाम से खुलेगा, लेकिन संचालन जो है वो पेरेंट्स करेंगे। 18 वर्ष तक बेटी संचालन नहीं कर पाएगी। और इसके अलावा निवास प्रमाण पत्र, इन डॉक्यूमेंट्स की जो है वो आवश्यकता रहती है इस खाते को खोलने के लिए। अब इसका संचालन और जमा राशि से संबंधित 2-4 बिंदु हैं, उनको क्लियर कर लेते हैं। तो ये खाता खोलने के लिए बहुत ही कम राशि यानी 250 रुपये प्रतिवर्ष जमा करवाने होते हैं न्यूनतम, लेकिन अधिकतम अपने 1.5 लाख तक इस खाते में जमा करवा सकते हैं। और ध्यान रहे ये जो 1.5 लाख रुपये धारा 80C के तहत, इस पर टैक्स की भी आपको छूट मिल जाएगी। दूसरा बिंदु, 18 वर्ष की आयु तक पेरेंट्स या माता पिता या लीगल अभिभावक खाते का संचालन करेंगे, उसके बाद बेटी स्वयं खाते का संचालन कर सकती है। 21 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर यह खाता परिपक्व हो जाएगा, यानी इसमें 15 वर्ष तक किस्तें जमा होगी और 6 वर्ष का लॉक पीरियड होगा। इस प्रकार 21 वर्ष की आयु तक ये खाता जो है परिपक्व होगा। यदि बीच में आवश्यकता होती है, जैसे 18 वर्ष की आयु पर बच्ची के विद्या के लिए या किसी और कार्य के लिए राशि की आवश्यकता है, तो 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 50% यानी आधी राशि जो है वो निकाली जा सकती है, तो आधी राशि निकाली जा सकती। इसके अलावा भी अब इसमें कई प्रावधान किए गएंगे, विषम परिस्थितियों में अति आवश्यक होने पर 2-3 बिंदु मेंशन किए गए हैं। विषम परिस्थितियों में खाते को बंद भी किया जा सकता है और राशि को निकाला भी जा सकता है, जो कि डिटेल स्टडी अपने करें तो उसमें यह दिया होता है। विशेष में देखें यह खाता क्यों अपने खोलना लाभदायक है, इसलिए लाभदायक है कि इस पर वर्तमान में, पहले तो ज़्यादा था लेकिन वर्तमान में 7.6% ब्याज है, जो कि बचत खाते से जो जिसपे 3 या 4% मिलता है और FD जिसपे 5-5.5% आज मिल रहा है, उन सब से ज़्यादा है। और दूसरा बिंदु कि लंबे समय तक ये राशि अपने निकाल नहीं पाते, तो उससे राशि में काफ़ी बढ़ोतरी भी हो जाती है। तीसरा बिंदु कि खाता डिफ़ॉल्ट नहीं होता है। यदि 1 वर्ष में हम 250 भी जमा नहीं करवाएं, तो खाता डिफ़ॉल्ट नहीं होता है, 50 रुपये पेनल्टी दे के इसको पुनः शुरू कर लेते हैं, यह इसमें सुविधा है। बेटी की शादी या उसकी शिक्षा के लिए यदि हम
सुकन्या समृद्धि योजना SSY में पैसा डालते हैं, खाता खुलवाते हैं, तो बेटी की शादी या शिक्षा के लिए ये निवेश बहुत ही लाभकारी सिद्ध होता है। किस प्रकार अपने बेटी का खाता खुलवाकर उसको ये लाभ दे सकते हैं, वीडियो अच्छा लगा हो, उपयोगी लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल की विजिट करते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।